गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह उस प्यारी शख्सियत का नाम है। भारत दे विच लोक गंगा दे इशनान वास्ते जांदे आ ते गंगा दा इशनान करके गंगा तो भी कुछ ना कुछ वर मंगदे आ। दुनिया दे विच भारत दे विच लोक दरिया ते इशनान करन जान ते दरिया तो भी कुछ मंगदे आ, पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह एडे दयालु कृपालू आ कि महाराज सच्चे पातशाह बाल अवस्था विच गंगा दे किनारे तो जदों लंघदे आ जिहड़ी भारत की धरती गंगा तो भी वर मंगदी है, गुरु गोबिंद सिंह उस गंगा नूं भी 5 साल की उम्र दे विच अपने सोने दे कंगन दान विच दे दिंदे आ। ते जे गुरु गोबिंद सिंह दा फेरा गोदावरी दरिया के किनारे ते हुंदा है ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह गोदावरी दे विच हीरे बेशुमार कीमती नगीने दान विच दे दिंदे आ। गुरु गोबिंद सिंह नूं देना ही आउंदा, लैणा कुछ नहीं आउंदा। जे दरिया कोल जावे ते दरिया नूं कंगन दान करदे ने, हीरे नगीने दान करदे ने, ते जे गुरु गोबिंद सिंह अपने सिखां कोल जावे ते गुरु गोबिंद सिंह सिखां नूं अपने साहिबजादे अपने पुत्तर अपने लखते जिगर भी दान विच दे दिंदे। ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह दे प्रेम विच आपां सजे हाँ। कलगीधर स्वामी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पटना साहब की धरती ते वेखो प्रकाश धारिया, वख वख तरह के कौतक वख वख तरह के चोज गुरु गोबिंद सिंह ने पटने की धरती ते किते। पटना साहब की धरती ते पंडित शिवदत्त नूं महाराज सच्चे पातशाह ने राम दे रूप च भी दर्शन दे दिते। सिखां तों वध त्रासदी किसी होर दे कर्मां विच नहीं आई होवेगी कि जिन्हां दा गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज किड्डा दयालु कृपालू है कि एक पंडित गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वल भावना नाल वेखे अपने मुरशद दे दर्शनां लई ते गुरु गोबिंद सिंह दे विच्चों उहनूं राम दे दर्शन भी हो जांदे आ। पर सिख रोज़ गुरु ग्रंथ साहब नूं वेंदा पर गुरु ग्रंथ साहब चों गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन नहीं हुंदे, इस तों वड्डी त्रासदी की होवेगी। गुरु गोबिंद सिंह ते अज भी होई है, गुरु ग्रंथ साहब विच वरत रहे ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी पटने की धरती तो हुंदे किते लखनौर साहब, लखनौर साहब तो फिर आनंदपुर साहब, आनंदपुर साहब तो फिर पौंटा साहब, पौंटा साहब तो पंघाणी साहब, पंघाणी साहब तो फिर पौंटा साहब, पौंटा साहब तो फिर आनंदपुर साहब, आनंदपुर साहब तो फिर कलगीधर स्वामी रवालसर, रवालसर तो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज, फिर आनंदपुर साहब, आनंदपुर साहब घेरा पिया सच्चे पातशाह घेरा तोड़ के चमकौर साहब पहुँचे, सरसा पार किता परिवार का विछोड़ा हो गया, दो पुत्र सरहंद दियां नीहां विच कुरबान कर दिते ते दो चमकौर की गढ़ी विच, सारा सरबंस कुरबान करके महाराज माछीवाड़े के जंगलों तो हुंदे हुए पहुँचे खिदराने की ढाब ते, जिथे महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई महा सिंह का बदावा पाड़िया। खदराने की ढाब तो लखी जंगल, लखी जंगल कवि दरबार ला के गुरु गोबिंद सिंह दमदमा साहब की धरती ते पहुँचे, जिथे 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां बतीत करके आदि ग्रंथ साहब की मुड़ संपादना की। दमदमा साहब तो फिर झंडे कलां, झंडे कलां तो हुंदे हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहुँचे नारायणे जयपुर दे कोल। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी नारायणे पहुँचे उस धरती का इतिहास दसदा भी उत्थे कलगीधर जी ने सोदर रहराज साहब के पाठ तो बाद अरदास कीती ते महाराज ने तीर चकाया ते ओ तीर जदों झुकिया उहदे सामने दादू द्वारा सी। दादू संपर्दा है एक सनातन मत दे साधुआं दी। दादू द्वारे वल तीर झुकिया ते भाई दया सिंह होना ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं कहा
कि पातशाह तुसी ते बचन करदे हो जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन नैकना न मड़ी मसाणी ते सिख ने मथा नहीं टेकना तुसी ताप ही दादू द्वारे अल तीर चुका दिता। कलगीधर स्वामी ने यह नहीं किया भी मैं तो तीर उदा ही चुकाया सी तुहानू भुल हुई है। महाराज दोवें हथ जोड़ के खड़ गए कहिंदे खालसा जी गोबिंद सिंह तुहाडे सामने हाजिर है दसो की तनखा लाओगे। गुरु कदे गलती नहीं करता गुरु कदे भुल नहीं करता पर गुरु गोबिंद सिंह दा एक प्यार है सिखां लई भी महाराज कहिंदे मैं तुहाडा तनखाही आवां दसो की हुक्म है। तो उत्थे फिर खालसे ने 5000 मोहरां ते जोड़े झाड़न की सेवा वह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं लाई सी ते गुरु साहब ने मोढ़े ते हाथ धरिया भाई दया सिंह दे ते महाराज कहिंदे अज मैनूं पूर्ण भरोसा है भी जे इत्थे आगू भी गलती करेगा तो पंथ उहनूं भी सज़ा लावेगा। इत्थे फिर महाराज सच्चे पातशाह बाद विच उहनूं मिले जिहड़ा महंत सी ना जैत राम दादू द्वारे महंत जैत राम नूं मिले गुरु गोबिंद सिंह जी। उन्हें महाराज की बहुत सेवा की महाराज नूं कहिंदा किधर जा रहे हो महाराज कहिंदे अगां नंदेड़ दी धरती ते जाना ते उह डर गया ते गुरु साहब कहिंदे डरदा क्यों है कहिंदा महाराज उत्थे इक साध बैठा है रिद्धियां सिद्धियां बहुत ने उहदे कोल करामातां बहुत ने उहदे डेरे ना जायो। महाराज कहिंदे क्यों कहिंदा जी उहने अपने डेरे च इक पलंघा बनाया है उस पलंघे दे उत्ते साधुआं संतां नूं बिठाउंदा है ते जदों कोई साधु संत उह पलंघे ते बहिंदा ते उह अपनियां ताकतां दे नाल पलंघा मुद्दा कर दिंदा है ते फिर जदों साधु पलंघे तों हेठां गिरदे आ ते उच्ची उच्ची हसदा है मश्करी करदा है। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे वी महंत जैत राम जी उदां ते भावें ना जांदे पर हुण तूं दस दित्ता हुण ते जाणा ही पैणा। ते गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी गए नंदेड़ दी धरती ते उत्थे सी साध माधो दास बैरागी उहदी कुटिया विच महाराज पहुंचे सामने पलंघा सी ते कलगीधर पातशाह जी ने जाके उस पलंघे दे जिहड़े चार पावे सी ना मंजे ते उहना मंजे दे चार पावियां दे उत्ते महाराज ने एक एक तीर टका दिता। चारे दे चारे पावां दे उत्ते तीर टका के ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सराहणे वाले पासे अपनी वड्डी 3 फुट दी श्री साहिब शमशीर टका दिती ते पलंघे दे उत्ते चौंकड़ा ला के बह गए। जिथे वड्डे पीर पहला टका दिते ते फिर खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह जी सज गए उत्थे फिर माधो दास वैरागी दियां रिधियां सिद्धियां की करनियां सी। जदों जाके माधो दास वैरागी दे चेलियां ने दसिया भी कोई पलंघे ते आके बह गया है ते कहिंदे माधो दास वैरागी ने फिर बड़े मंत्र छड़े कदे भैरो नूं याद किता कदे काली नूं ध्याया कदे इलम जिहड़े सिद्ध किते सी उहनां नूं पढ़िया ते छड़दा गुरु गोबिंद सिंह वाल अपने फौजां नूं कि जाओ जाके पलंघा मुद्दा करके आओ। पर कहिंदे जदों नेत्र बंद करके ध्यान ला के अपने मंत्र पढ़दा इलम पढ़दा भी मंत्र पढ़ांगा ते ताकत नाल पलंघा मुद्दा होवेगा कहिंदे जदों अखां बंद करके ध्यान लाउंदा ते उहनूं इस तरह महसूस हुंदा जिवें उहदे मूँह ते कोई चपेड़ मार रिहा होवे डर जांदा इको दम डर के इको दम अखां खोलदा भी अज तक बड़े साध आए पर जिहड़ा अनुभव अज हो रहा यह नहीं कदे होया। ते फिर चेलियां नूं पुछदा भी कौन बैठा आके कहिंदे ये तां नहीं पता कौन बैठा है पर जिहड़ा आके बैठा है ना उहने पलंघे दे उत्ते सब तों पहलां तीर सजाए आ फिर श्री साहिब टकाई है उहदे चेहरे दे उत्ते जलाल बड़ा ते उहने आप भी गात्रे विच कृपाना पाईआं ने साध नहीं है कल्ला संत सिपाही है उहदे नाल नीले बाणियां वाली फौज है ते जिहड़े बकरे तूं सांभ सांभ अपनी कुटियां च रखे सी माधोदास उहदी नीले बाणे वालियां फौजां ने आउंदिआं सारी तेरे बकरे चटका दित्ते ने। इहनूं होर गुस्सा चढ़ गया भज्जिआ आया
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲੰਘੇ 'ਤੇ ਸਜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਫਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੈਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੂਰਬਲਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਰ ਤੰਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਧਰਤੀ ਪਾਟੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੰਡਲ, ਖੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪਠਾਨ ਭੇਜੇ, ਗੁਲ ਖਾਂ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਖੰਜਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਸੀ, ਕਨਾਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਲ ਖਾਂ, ਅਤੁਲ ਖਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਏ ਹੋ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਤੁਲ ਖਾਂ, ਉਹ ਗੁਲ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਗਏ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ,
सिंह हमेशा तैयार बर तैयार खड़े रहिंदे सी। कलगीधर स्वामी गुरु गोबिंद सिंह जी ने दरवाजे ते जड़ा सिंह खड़िया सी उसनू बचन किया, कहिंदे भाई रात बहुत हो गई है, तू विश्राम करन चला जा। वह कहिंदा महाराज अज तक तो विश्राम किया नहीं। कहिंदे नहीं, अज तेनू हुक्म करदे आ भी तू विश्राम करन जा। हुण गुरु साहब पहले ही बिद बना रहे आ भी कोई ये भी ना समझे भी शायद महाराज नू पता ही नहीं सी। महाराज सच्चे पातशाह ने कहा विश्राम करन चलिया जा, विश्राम करन गया। थोड़ी देर बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह सराहणे ते खड़े जिहड़े सिंह सी उन्हूं महाराज कहिंदे ने भाई बहुत रात हो गई है, जा विश्राम करन चलिया जा। वो कहिंदा महाराज पहरे ते तां कोई भी नहीं। महाराज कहिंदे परवाह ना कर, खुदा नाल है, अज उही होना जो खुदा ने चाहना है, तू चलिया जा। गुरु साहब ने उन्हूं भी भेज दिता ते महाराज सच्चे पातशाह मुस्करा के पलंगे दे उत्ते लेट गए। अतुल खां ते गुल खां पठान, एक पठान दरवाजे ते खड़ गया, दूसरा पठान अंदर चलिया गया। महाराज सच्चे पातशाह एक पासा करके लेटे हुए सी पलंगे ते पठान ने जहरीले खंजर दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे छाती दे उत्ते वार करना चाहिया। गुरु साहब सच्चे पातशाह ते वार किता, वार बहुत ज़्यादा डूंगा होया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह वार होने तो बाद बड़े ही फुरती दे नाल सच्चे पातशाह ने तेग दे मुठे नू हाथ पाया। जेड़े पठान ने वार किता सी महाराज ने नाल दी नाल बाह तो पकड़ करके उस पठान दा सोधा लाया ते पठान अगो कहिंदा हाए अम्मा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे अब अम्मा का वक्त नहीं, अब अल्लाह कहो अल्लाह, हुण तेरा अंतम समय, हुण मां नहीं हुण रब नू चेते कर। महाराज ने उत्थी चटका दिता, रोला पै गया। जिहड़ा दूसरा पठान सी उहनू सिंघां ने फड़ लिया, उहनां ने चटका दिता। लहू बहुत ज़्यादा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे शरीर दे विच्चों वगण लग पिया। सिखां दे हिरदे उदास हो गए। अंग्रेज डॉक्टर आया गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे इलाज वास्ते, 10 मोहरां दित्तियां ते अंग्रेज डॉक्टर ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा जिथे जख्म सी उत्थे टांके लाए। ते डॉक्टर ने कहा भी बहुती हिलजुल ना कीती जावे, ना घोड़सवारी कीती जावे, ना शस्त्र चलाए जान, आराम दी बहुत ज़्यादा जरूरत है। वो चलिया गया। 4-5 दिन बीते ते बहादुर शाह ते उहदे नाल कुझ के वजीर उहदे चले गए मुलाकात करन। महाराज ने बंदा सिंह बहादुर नूं पहले ही भेज दिता सी पंजाब दी धरती ते। ते जदों बहादुर शाह ते उहदे वजीर गए ते जिहड़ी सचखंड श्री हजूर साहब दी मर्यादा है कि दिवाली वाले दिन तख्त इशनान हुंदा, शस्त्रां दी सेवा हुंदी है, ये मर्यादा महाराज ने शुरू कीती सी। सारे शस्त्र सजाए हुए सन, उन्हां दी सेवा हो रही सी। ते बहादुर शाह दे नाल एक वजीर सी, वो राजपूत सी, उन्हें वेख्या एक तीर है बहुत बड़ा। उहदी निगाह जदों उस तीर ते पई ते उहदे मन विच आया भी गुरु गोबिंद सिंह तीर चलाउंदे भी आ कि कल्ला विखाउण लई रख्या। ते अंतरजामी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे दया सिंघा लिया साडा धनुष, लिया तीर कमान लिया। भाई दया सिंह कहिंदे महाराज नहीं, हकीम ने मना किया होया। महाराज कहिंदे नहीं, इहदे मन विच फुरना आया, इहनू विखा तां दईए भी इह गुरु घर दे विच जिहड़े शस्त्र रखे जांदे ने इह कल्ले विखाउण नूं नहीं रखे जांदे, चलाउण नूं रखे जांदे आ। गुरु गोबिंद सिंह ने तीर तंदे ते चाढ़िया। महाराज ने इन्नी जोर दी तीर खिंचिया कि महाराज सच्चे पातशाह दे जख्म दे सारे टांके खुल गए, खून फिर वगण लग पिया। पर जदों तीर आकाश विच छड्डिया ते उह तीर वापस नहीं आया, वह आकाश विच अगांह दी अगांह ही लंघ गया। टांके खुल गए, सिख भज्जण लगे डॉक्टर नूं बुलाउण वास्ते।
ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज कहिंदे दया सिंघा नहीं हुण वैद दी हकीम दी नहीं लोड़ हुण जो रब ने भाणा वरतौना आपां उस भाणे नूं मिठा करके मनीए आदि महाराज का प्रकाश किया जाए सारी संगत नूं बचन किया जाए भी गुरु गोबिंद सिंह ने बुलाया है असी अपनी अंतम रसम अदा करनी चाहते हाँ। पंडाल सजिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश होया गुरु गोबिंद सिंह जी ने चौंकड़ा लाया लहू वग रहा है ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दे शरीर दे जख्मां दे लहू नूं वेख के सिख विराग विच ते कलगीधर जी कहिंदे भी हुण असी चोज वरतौना है ते सिख संगत दोवें हथ जोड़ के बेनती करदी है दाता संगत है तेरी इस दा की हवाल ते गुरु गोबिंद सिंह ने कहा ग्रंथ है गुरु लड़ पकड़ो अकाल सिखो तुहाडा गुरु अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब होवेगा तुसी अकाल दे लड़ लगना ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने दूसरा बचन किया सरबलो ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच है आपन पौ श्री खालसे सौंपा द्वितीय रूप सतगुरु ग्रंथा बोलन सतगुर शब्द संभाखन नाम गोबिंद कीर्तन संथा सिखो खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह अपना आप गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित करके जा रहा है जिन्हें भी साढ़े दर्शन करने होण वह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के दर्शन करे उन्हूं साढ़े दर्शन होया करनगे जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह नाल बचन करने होण वह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का सहज पाठ करे जेड़ा सिख गुरु ग्रंथ साहिब का सहज पाठ करेगा गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्तियां चों बाजां वाला सिख नाल गल्लां करिया करेगा गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ते साडे विच रती मात्र भी फर्क नहीं जानना जिथे गुरु ग्रंथ साहिब होवे समझ लैना गुरु गोबिंद सिंह आप हाजर नाजर है। कलगीधर पातशाह जी ने तीन परिक्रमा कीतियां पांच पैसे नारियल रख के मत्था टेकिया ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं गुरता गद्दी ताजपोशी दे करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन कर दिता आग्या भई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ।